कभी 700 चिकन के बच्चे साथ में देखें? भीगा सा दिसंबर है और बहुत ही सर्दी सर्दी है और मज़ा भी आ रहा है बाइक चलाते हुए। सर्दी से याद आया कि मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने पोल्ट्री फार्म ओपन किया है, तो उनके पोल्ट्री फार्म चलते हैं और मुर्गी के बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं और थोड़ी सी गर्माइश भी मिल जाएगी वहाँ पे। ज़मीन इनकी अपनी और उन्होंने सिस्टम बहुत मुर्गियों के लिए ज़बरदस्त बनाया हुआ है, सिस्टम पूरा सिस्टम बनाया हुआ है इनके लिए। तो आइए अंदर देखते हैं। अंदर चलने से पहले ये बोलता जाऊँ, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू और थैंक यू ऑल दैट मेरा टारगेट 800 सब्सक्राइबर्स का आपने क्रॉस कर दिया। अब अंदर चलते हैं। अंदर जाते ही मुझे कूजी कूजी सा फील होने लगा क्योंकि इतना वार्म था, बहुत मजा आ गया। लेकिन इन्होंने जो सिस्टम मतलब सिस्टम ऐसा किया हुआ था इनके लिए कि इन्होंने UPS भी लगाया हुआ है और सोलर प्लेट्स भी लगाया, मतलब बिजली फुल टाइम इनकी ऑन ही रहती है। खाना पीना जैसा कि आप देख रहे हो कैसे लूट रहे हैं, जैसे बिरयानी लगी हुई है यहाँ पे। मेरा अंदर जाने को दिल तो बहुत कर रहा था लेकिन इन्होंने अपनी जगह इतनी घेरी हुई थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी, तो एक बंदा जो है आगे चल के और इनको हुश 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 जैसे होता है ना, हुश हुश किया जा रहा था। तो ये हटे तो पाछा सलामत आए अंदर। जनाब ये छोटा सा एक गांव है तो इन्होंने हीटर की जगह बाहर लकड़ियां जलाई हुई थी और वो पाइप से जो है हीट प्रोसेस होके अंदर ड्रम में आ रही थी और इनको हीट कर रही थी। देखो कैसा पाओ। अंदर तो मैं आ चुका था लेकिन इन चूजों को लगता था कि मैं इनकी अम्मी जान हूं, तो सारे जो है ना इर्द गिर्द आके मेरे साथ आके खड़े हो गए, जैसे आप देख सकते हैं। मुझे ये भी बताया गया कि हम लोग इनको अपने बच्चों की तरह पालते हैं, तो इसलिए मैं भी इनके साथ बैठा और इनके साथ थोड़ा तफरी करने लग गया। असल बात तो ये थी कि बाहर बहुत ठंड थी, एहतियात से बाहर जाना पड़ा वरना पैर के नीचे आके इनका स्टिकर बन जाएगा। लगता है इनको मुझसे जो है ना बहुत प्यार हो गया, जाने ही नहीं दे रहा मुझे। अब बारी आती है हिसाब किताब की। अगर मैं ये बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो कैसे होगा? स्टार्टअप में 700 चूजे शेल्टर में लगा, पर चूजा खरीदा 65 रुपए का, तो ये हो गए 45,500। फीड इनको दे दी, चलो अज्यूम कर दो 9,000, तो जनाब ये बन गए 54,500। गांव के एम्प्लॉई तो हम भूल ही गए, चले एम्प्लॉई के हम लोग 5,000 रख रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉई जो है बहुत कम लेते हैं गांव के। ग्रैंड टोटल बना 59,500। राइट हो गया। आफ्टर 35 डेज और 40 डेज ये जो चूज़ा है वो तैयार हो जाएगा सेल होने के लिए और ये जाएगा तकरीबन 150 से 300 के दरमियान। चलो हम अंदाज़ा करते हैं, 300 नहीं 150 मल्टीप्लाई करते हैं 700 चूज़े, चलो 700 चूज़े नहीं 650 चूज़े से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अमाउंट बनता है 97,500। चले मैं लमसम फिर भी इसमें से इनकी मेडिसिन और इनके अदर खर्चे निकाल लेता हूँ 10,000, तो फिर भी मेरी बचत 28,000 की हो रही है। अब चिकन का बिजनेस करो ना करो ये तुम्हारा मसला है, बाकी ये शेल्टर के अलावा की सारी बातें थी। बाय द वे हैप्पी न्यू ईयर। बेटा मैं तुम लोगों की अम्मी नहीं हूँ, जाने दो मुझे। अरे तो ये कहीं जाने भी नहीं दे रहा बेटा, ये अर्बन सोल है, अभी तो इसका स्पॉन्सर भी नहीं मिला। मैं अम्मी जान नहीं हूँ तुम लोग की। आराम से स्टिकर ना बन जाए।